Hey everyone, welcome or welcome back to my channel. This is Kirti and this is another video from my city Varanasi, जिसमें मैं आप लोगों को टूर कराने वाली हूँ एक बार फिर से नमो घाट का. सो इसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी नमो घाट का नाइट व्यू कि रात में ये कैसा लगता है. वैसे तो मैंने पहले भी नमो घाट के बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पे पोस्ट किए हैं, मॉर्निंग का व्यू, डेवलपमेंट का व्यू, आफ्टरनून का व्यू, इवनिंग का व्यू. तो मैंने सोचा क्यों ना नाइट व्यू भी शूट करके आप लोगों को दिखाया जाए कि कैसा लगता है नमो घाट रात में, क्योंकि अब ये बनारस का सबसे आधुनिक और सबसे पॉपुलर घाट बन चुका है, क्योंकि इट इज कंसिडर्ड एज अ न्यू पिकनिक स्पॉट इन वाराणसी. तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गिव यू अ क्विक टूर ऑफ नमो घाट. तो हम राजघाट से पैदल चल के आ रहे थे नमो घाट पे, इसलिए आपको वो मालवीय ब्रिज वगैरह दिखा और उसके नीचे से हम वॉक करके आए हैं. और जैसे ही आप पहुंचोगे तो यहाँ पे आपको एक बड़ा सा पूल सेटअप मिलेगा जिसमें बच्चे वाटर एक्टिविटी कर रहे हैं. तो ऑफकोर्स इतनी गर्मी के टाइम में वाटर एक्टिविटी करने का मजा ही कुछ और होता है, वो आपको बच्चों के चेहरे की खुशी देख के अंदाजा लग जाएगा. और फिर आप जब थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, तो वैसे तो मैंने आप लोगों को इवनिंग व्यू वाले में भी दिखाया था कि क्या क्या सेटअप हो रखा है बच्चों के लिए. सो ये वाला पैसेज पूरा डेडिकेट हो चुका है बच्चों के लिए. आप देख सकते हो कितनी सारी डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज बच्चे यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं और काफी इंजॉय भी कर रहे हैं बच्चे भी और फैमिलीज भी. कुछ नया ट्राई करने को मिल रहा है बनारस में भी, और वो भी इतना इजीली अवेलेबल है कि आपको सिर्फ घाट पे आना है. और घाट पे तो बड़े भी अच्छा टाइम स्पेंड कर लेते हैं और बच्चों का भी इंटरटेनमेंट हो जाएगा. तो विन विन सिचुएशन है ये फैमिली के लिए. और चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे बनारस के बच्चे. वैसे तो मैंने आप लोगों को अपने इवनिंग वाले वीडियो में भी ये टॉय ट्रेन्स दिखाए थे, तो आप देख सकते हो कि रात में कैसे लगते हैं ये टॉय ट्रेन्स, क्योंकि इसमें कलरफुल लाइट्स जलती है, पूरा घाट जगमगा रहा होता है और उसमें ये छोटी छोटी टॉय ट्रेन्स घूम रही होती है. इट्स लुकिंग वेरी क्यूट. वैसे जनरली पहले इतनी भीड़ घाट पे किसी न किसी ओकेजन पे देखने को मिलती थी या मोस्टली संडे को देखने को मिलती थी, बट आप ये नॉर्मल डेज में भी विटनेस कर सकते हो, जिसकी वजह से घाट का सुकून, घाट का पीसफुल टाइम तो एकदम जा चुका है, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि कितनी भीड़ हो चुकी है घाट पे. सो अगर आपको पीसफुल टाइम स्पेंड करना है तो आई वुड से कि दिस घाट इज नो मोर अप्रोप्रिएट फॉर दैट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हर टाइम में होती है, वेदर इट बी मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट. हाँ, आफ्टरनून का मैं नहीं कह सकती क्योंकि आफ्टरनून में ऑफकोर्स धूप होती है तो घाट पे क्राउड थोड़ा कम होता है, बट हाँ इसके अलावा आप किसी भी टाइम आओगे तो यहाँ पे आपको क्राउड देखने को मिलेगा. चलिए अब आपको दिखाते हैं एक झलक नमो घाट के फूड कोर्ट की, जिसकी मैंने झलक आपको इवनिंग वाले वीडियो में भी दिखाया था. तो इस ये एक एडेड बेनिफिट हो चुका है नमो घाट पे, क्योंकि आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो जहाँ बच्चे होते हैं, जहाँ फैमिली होती है वहाँ भूख भी लगती है. तो यहाँ फूड कोर्ट हो जाने से थोड़ा सा आराम तो हो गया है, आप यहाँ पे आराम से स्नैक्स इंजॉय कर सकते हो, कुछ हैवी भी खा सकते हो, कुछ लाइट भी खा सकते हो, तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. स्पेस भी काफ़ी सारा है, ऑल्दो भी सिटिंग अरेंजमेंट्स कम है, बट इन फ्यूचर वो बढ़ ही जाएगी टाइम के साथ और डिमांड के साथ. और यहाँ पे काफ़ी अच्छा सेटअप हो रखा था. हमने कुछ खाया नहीं क्योंकि हमने उस दिन चाइनीज़ ट्राई किया था जो हमें ठीक ठाक सा लगा था, बट अभी बहुत क्राउडेड था एंड बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो इसलिए हमने कुछ खाया नहीं. और हमने रुक किया मालवीय ब्रिज की तरफ, क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाना था एक झलक नमो घाट की ऊंचाई से भी कि कैसा लगता है राजघाट के पुल से नमो घाट का व्यू. और नाइट इज द बेस्ट टाइम टू कैप्चर इट,
क्योंकि उस टाइम लाइटिंग वगैरह सब कुछ होती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसा लगता है नमो घाट का व्यू राजघाट के पुल से। सो ये आप देख सकते हो, ये पार्किंग एरिया है बेसिकली, और उस साइड में आपको घाट दिख रहा है जहाँ पे कलरफुल लाइटिंग्स दिख रही है, सीएनजी स्टेशन पे दिख रहा है यहाँ से। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिएगा, सो दैट आपको फ्यूचर की भी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।